मित्र जा आज काल लिया ते एमएसपी को कानूनी जामा देने एवं खाद की किल्लत व कालाबाजारी के खिलाफ जिला पदाधिकारी के समकक्ष महागठबंधन का विशाल धरना प्रदर्शन आज देखा गया। खाद की किल्लत दूर करने व कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगने आदि मांगों को लेकर आज यहां मधेपुरा समाहरणालय के समकक्ष कला भवन परिसर में महागठबंधन के तत्वाधान में किसानों ने दिया विशाल धरना प्रदर्शन। मौके पर आक्रोशित किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए सदर राजद विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि देश में किसानों की नहीं कंपनियों व पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट ने यह प्रमाणित कर दिया कि इस सरकार को किसानों, नौजवानों और गरीबों की कोई चिंता नहीं। 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने वाली सरकार इसका जिक्र तक नहीं की। कुल बजट में कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधियों का हिस्सा 4.3% से गिरकर 3.8% हो गया है। यह कॉरपोरेट के लिए अमृत बजट है एवं कामगारों के लिए विषैला बजट है। 10% किसानों से भी समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद नहीं हुई। सरकार अपने लिखित वादे के 50 दिन बाद भी एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कोई कमेटी की गठन नहीं की। डिजिटल एजुकेशन व हाईटेक खेती फिर एक नया जुमला है। बेलगाम महंगाई एवं रोजगार विहीन विकास के बल पर अगले 25 साल में विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कोई बात नहीं करता। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महागठबंधन के जिला संयोजक एवं भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि यह देश किसानों और जवानों का है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़। संघी भाजपाई गठजोड़ का जो के प्रधानमंत्री जो दिल्ली में कब्जा किए हुए हैं, खेत और गांव को उजाड़ना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया था किसानों से कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करूंगा। दुगुनी के बदले किसान रसातल में जा रहे हैं, खाद के लिए दर दर ठोकने खा रहे हैं, रात रात भर सोते नहीं है, हजारों लोगों की कतारें रहती है, काला बाजारियों के हाथ में ये सरकार बिकी हुई है, उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई है। उसी कृषि विरोधी, खेत विरोधी, गांव विरोधी, किसान विरोधी सरकार को आगाह करने के लिए तुम सरकारी दर पर खरीद की गारंटी कानून बनाओ। खाद के लिए दर दर भटक रहे किसानों को तुम समय पर खाद दो और देहरी पर खाद पहुंचाओ, गांव तक देहरी तक खाद पहुंचाओ। हमारे बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शिक्षा चौपट है, अंचल में अमीन नहीं है, 15 साल का शासन हुआ, कर्मचारी सचिव नहीं है, 15 साल का शासन हुआ, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, 15 साल का शासन गुजरा है, 20 पुराने वाले हैं सुशासन बाबू। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि दाखिल खारिज हो, जमाबंदी अलग करने का मामला हो, मालगुजारी हो, यहां तक कि परिमार्जन में घुस लिया जाता है। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे लड़ाई संकल्प है हम लोगों का। आप देख रहे हैं महाधरना जो है आज अंगराई का एक अंग है और आगे निर्णायक लड़ाई होगी, चरणबद्ध आंदोलन होगा। जब तक देश के शैतान मुखिया और तथाकथित चौकीदार हम किसानों को, खेत में जीने वाले लोगों को, खेतिहरों को वाजिब हक नहीं देगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और संयुक्त मोर्चा का किसान जो है, संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव के सिपाही और महागठबंधन के तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। शेखर जरब जिंदाबाद।
हमारी रणनीति है किस खेती और किसानी बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करेंगे। एक बार पुनः साबित हो गया देश में कि केंद्र की सरकार कारपोरेट प्रस्त है, जन विरोधी है और किसान विरोधी है। ये अमृत काल नहीं, अमृत जाल चल रहा है। बजट जो पेश किया गया, किसानों को कुछ नहीं मिला, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। आज किसानों में हाहाकार मची है, नौजवान दर दर के ठोकर खा रहे हैं रोजगार के लिए। शिक्षा का माहौल बिल्कुल समाप्त हो गया है, रोज माँ बहनों की चिरहरण हो रही है। यह सरकार पूरी तरह से जालिम है, मनवादी है और यह सरकार किसान विरोधी है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ खेती बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है और यह लड़ाई और भी उग्र होगा, और भी तेज होगा। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जालिम सरकार को उखाड़ न फेंकेंगे। प्रमोद प्रभाकर, संयोजक महागठबंधन मधेपुरा सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य, CPI।